मध्य प्रदेश स्थित भिंड की उमरी पंचायत में पंचायत की ओर से आज तक मुक्तिधाम नहीं बनने से ग्रामीणों में रोष है। पंचायत में दो मुक्तिधाम है जो समाज सेवियों ने बनवाए हैं। उमरी, गेवंत, मोतीपुरा, देवगढ़ सहित कई गांवों में आज दिन तक पंचायत की ओर से मुक्तिधाम नहीं बनाया गया था। ग्रामीणों ने इसके लिए जिले के और अधिकारियों को आवेदन भी दिए, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। गांव में सड़क की समस्या भी गंभीर रूप से अभी तक बनी हुई है। मैंने सरपंच ग्राम पंचायत उमरी से बात की है, वहाँ के लोग तो भी हड़ताल पे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वहाँ के निजी दो मुक्तिधाम काम वर्तमान में है। सरकारी जो मुक्तिधाम उनको बनाना था, जो ग्राम पंचायत को बनाना था, उसके लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन बता रहे हैं कि जमीन विवाद के कारण नहीं बन पाया। मैं सोमवार को SDM साहब को निर्देशित करूंगा कि वो जो है जाकर के वहाँ सीमांकन कराए, उनको भूमि उपलब्ध कराए, बहुत जल्दी वहाँ पे मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। अभी एक रघुवीर सिंह यादव की जो अर्थी लगी थी उसमें आधी अर्थी जली और पानी बीच में आ गया, और वो अर्थी जैसे तैसे पूरी लगी मगर बड़ी विडंबना है। अगर पानी शुरू हो जाए तो सवेरे से लेकर शाम तक अगर पानी बरसता रहा तो वेट करना पड़ेगा, पूरा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद अर्थी शुरू होगी। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, लगभग 7 वर्ष होने को हुए उमरी पंचायत में, गेवंत में एक पैसे का काम नहीं शुरू हुआ है, आज तक एक पैसे का काम शुरू नहीं हुआ है। चलने के लिए रोड और शमशान घाट पर टीन की अव्यवस्था फैल होने के कारण ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए अभी तक कोई न रोड और ना ही टीन सेट लगाया गया जिससे अर्थी जल सके। बराबर 2 दिन से अर्थियाँ बुझ रही हैं। अर्थी बुझने का यही कारण है कि टीन सेट नहीं लगने का कारण।